पर लिखा हुआ यार, ये सबसे काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर गुड। तो सुबह उठा, ऊपर गया मैं पलंग की निवार कस के, फिर मैं नीचे आया था और नीचे आते ही मेरे को पता लगा कि मम्मी के वापस बीपी हो गई, मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी को कैमरे के सामने आते ना ऐसे हो जाता है कि मतलब अगर बीमार बुखार भी होगी तो मम्मी कैमरे के सामने आते बिल्कुल ओके। सो मैं कैमरा सामने ले आता हूँ दिन में 5-6 बार, तो मम्मी ओके ओके रहती है। अभी तो खाना खा रही है, सही है जो भी है, ठीक है, हो जाएगी बीपी तो सही। तो मौसम दिखाता हूँ आज राजस्थान का, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। गुजरात के बाद में तूफान शायद पूरा राजस्थान के अंदर ही आएगा। मौसम दिखाता हूँ देखो आपको, आपको पता है मेरे सारे देखने वाले शायद जयपुर के ही हैं, सो उनको तो पता ही होगा मौसम। और बाकी भी दिखाई देता हूँ यार, कोई बात, मौसम हो रहा मस्त। कल जाके आए थे यार गाँव, सच में मज़ा आ गया। मन कर रहा है कि अब फैमिली के साथ रोज गांव में जाए। इतने सारे लोग थे, मेरे ताऊजी, ताऊजी के लड़के वगैरह और दीदी वगैरह सब सभी गए थे, मतलब बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा था गांव जाके। और इसी के साथ करते हैं इस पार्ट को ख़त्म, अगला पार्ट करेंगे चालू। सो बाय भाइयों, मैंने बनाया प्लान, अभी जस्ट कॉल आया था दोस्त का, उसने बोला मूवी देखने चलना है। मेरी माता जी मान नहीं रही, आदि पुरुष नहीं देखने गया था मैं, आदि पुरुष बेकार पिक्चर है, मेरे को देखने दो जरा हटके जरा बच के, जाने दोगे क्या? ओम 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 चल जाने दो यार, मैं पास में जा रहा हूँ फिर भी यार, प्लीज 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 हाँ कर दे मम्मी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो यार मम्मी तो हाँ कर देगी, मेरे को पता है, पापा से पूछना पड़ेगा बस एक बार परमिशन लेकर कॉल करके। पापा को मना लूँगा, मम्मी को मना लूँगा, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा पीवीआर। और जा रहा हूँ मैं जिसके साथ, वो है गज्जू गजराज, जिसका मैंने फ़ोन यूज़ करा था पिक्सल देशनोक वाले ब्लॉग में। सो हम जाते पीवीआर और रेटिंग भी देंगे पक्का, जरा हट के जरा बच के, और आदि पुरुष को तो जीरो। तो भाई मैंने पूछा पापा से, पापा मूवी देखे होंगे, पापा ने बोला कि पहले मेहनत का पैसा कमा उसके बाद तू उड़ाना सीख। तो मैं बोला कि आप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? तो ऐसे थोड़ी अनबन होके पापा मान गए मूवी देखने के लिए। और मैं भी फाइनली हो चुका हूँ तैयार, तो अभी गजराज आने वाला है घर पे, सो उसके साथ जाएंगे पीवीआर। हम आ चुके पीवीआर के अंदर। गजराज बता बेसमेंट में पार्किंग कितनी है इसमें? ये फुल एकदम चकाचक भाई, इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, मैं सोच भी नहीं सकता था किसी मॉल में इतनी भीड़, हाइपर में भी नहीं इतनी। ये पीवीआर मॉल ऑफ जयपुर है नहीं, कितनी भीड़ है। लोअर बेसमेंट की पार्किंग है ये, तो लोअर इससे ऊपर एक और है उसमें भी सेम भीड़, उसमें तो हमको जगह भी नहीं मिली, फिर हम लोअर बेसमेंट की पार्किंग के अंदर आए। और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, कौन सी है नाम भूल गए यार, नाम भूल गए, वो अभी नहीं आई है। अनन्या किसकी आई है? नहीं नहीं, सारा अली खान की आई है जो हम देखने जा रहे हैं मूवी। तो अभी लिफ्ट चेक करते हैं, वो रहा मूवीज ऑन थर्ड फ्लोर पीवीआर ओपन नाउ पीवीआर। यार इतना मस्त सिनेमा है ना, इसके अंदर लिफ्ट पे लिखा हुआ है साफ साफ रोसाडो, अगर किसी को क्लब के अंदर जाना है तो रोसाडो पे क्लिक कर दो। और बाकी लिफ्ट भी यार बहुत ओजी है रोसाडो। पीवीआर के अभी तक हम सिनेमा में भी नहीं घुसे, आगे वॉशरूम भी दिल ले गए। देख गजराज बता कैसा है, सच बताना एक्सपीरियंस। बहुत ओजी 5 स्टार पीवीआर, थोड़ी अपन 5 स्टार होटल में है ना भाई। एक बार देखो यार इसको, मतलब एक बार देखो, खाली एक बार देखो, एक बार कितना ओजी लग रहा है यार ये मोमेंट। अंदर ये वाला हमारा जो सिनेमा है, तो इसके अंदर जा रहे हैं, ये 6 ऊपर लिखा हुआ है यार, ये सबसे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। देख के आ गए मूवी, कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया। लास्ट के अंदर बताया बहुत सैड मोमेंट्स थे उसके अंदर, तो हमको लगा कि हमारे लायक नहीं है। अब घर वालों को सजेस्ट करेंगे मूवी, मम्मी को बोलूंगा पक्का देख के आओ, पापा को बोलूंगा पक्का देख के आओ। कभी फ्यूचर वाइफ होगी तो उसको भी दिखाएंगे फ्यूचर वाइफ। तो गाइस आ चुके हैं मूवी देख के, कौन सी, क्या नाम था? नाम फिर भूल गए। तो
मैं बता दूंगा नाम लास्ट में बता दूंगा, गूगल पे सर्च करके। अच्छी मूवी थी और फैमिली लाइक मूवी है, तो तुम भी सब जाना देखने। और गजराज कैसी लगी तेरे को जरा मूवी हट बता? के जरा बच के, जरा हटके जरा बच के देख ली इसने ऑनलाइन, कैसी लगी भाई मूवी? बढ़िया थी, लास्ट में थोड़ी अच्छी नहीं लगी बस। लास्ट में क्योंकि फैमिली वाला सीन था, मैं भी लेट नहीं कर पाया, मेरे पास घर है उसमें घर नहीं होता। हाँ हमारे पास घर है उसमें घर नहीं होता। अच्छी थी यार फैमिली मूवी, मैं सबको सजेस्ट करूँगा, मम्मी पापा को भी, सब देख के आओ। बहुत शानदार मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और पीवीआर की इतनी अच्छी सर्विसेज है ना भाई, तुम अगर कुछ खरीदोगे ना वहाँ पे तो तुमको सीट के ऊपर ला के देंगे, बहुत अच्छी सर्विसेज है ना। बहुत ही बढ़िया। और पॉपकॉर्न लेते हैं वो क्या सीन, पॉपकॉर्न रिन्यू वो रिफिल करवा लेते हैं पॉपकॉर्न। कितनी बार भी रिफिल करा सकते हो तुम, जाओ जितनी बार एक बार लेके, चाहो जितनी बार रिफिल करा सकते हो। ये हमारा भाई सबको नहीं बताना होता ये, सबको नहीं बताना होता ये ये कट कर, सबका फायदा यार, मेरे फैंस लोग का फायदा नहीं। मजाक कर रहा हूँ भाई, 10 व्यूज आते रोज। ये क्या आ चुके हैं बाहर, कैसी लगी तेरे को गजराज मूवी? बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। फैमिली के साथ जाओ और देख के आओ, जरा हटके जरा बच के। अगर बंदी है तो जाओ और नहीं है तो हमारी। हाँ और मतलब लड़के लड़के मत जाना देखने, बोर हो जाओगे यार। जैसे हम दोनों हुए, कोई लड़की थी नहीं हमारे साथ जाने को। स्कूटी, हाँ स्कूटी को ढूंढ रहे, स्कूटी घूम गई। भीड़ काफी है, जितनी सुबह थी उतनी अभी है भीड़, मतलब बराबर है। हमारी स्कूटी शायद उधर खड़ी थी, बोरी बोरी बोरी। और बाकी सर्विसेज इतनी अच्छी है ना पीवीआर की, जरा बता सर सर्विसेज बता। इट्स लाइक 5-star होटल, 5-star होटल सच बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपन बिल जो पे करते हैं, मतलब जैसे मान लो हमने पॉपकॉर्न ऑर्डर करें, सो एक तो क्या होता है हम लेके आ रहे हैं खुद, एक वो होता है खुद सीट के ऊपर ला के दे रहे हैं, तुमसे पैसे ले लेंगे पहले, फिर सीट के ऊपर तुमको पॉपकॉर्न ला देंगे। और बाकी तो बहुत अच्छी सर्विस है यार, बहुत प्रीमियम सर्विस दे रहा है ये मॉल ऑफ जयपुर है ना। मॉल ऑफ जयपुर बहुत प्रीमियम सर्विस दे रहा है, तभी तो यार इतनी भीड़ है देखो, वरना इतनी भीड़ नहीं होती, काफ़ी भीड़ है। और दो पार्किंग बना रखी इसमें ऊपर और एक नीचे, और बहुत प्रीमियम मॉल है। अब हम जाते हैं घर पे, स्कूटी हमको जैसा मिल चुकी है, स्कूटी के पास जा रहे हैं और फिर डायरेक्ट घर पे। ये रही हमारी स्कूटी। भाइयों मैं आ चुका हूँ पीवीआर से घर पे, और मम्मी खाना बना रही है। मम्मी को पूछता हूँ क्या बना रही है, कल आज सुबह जो सब्जी बनाई थी बहुत ओजी। मम्मी क्या बना रहे हो अभी? करेले की सब्जी, उधर उधर बन रही है राबड़ी और रोटी। करेले की सब्जी, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती यार, अच्छी लगती है खानी चाहिए, करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी सब सब्जियाँ बढ़िया बनाती है, करेले की सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों नहीं लगती। तू खा के देख मेरे हाथ की। मैं बहुत कम खाता हूँ यार, बहुत कम खाता हूँ। मम्मी आपकी टिकट करा दूंगी मूवी की। हाँ, अरे मतलब है ना, पता है फैमिली के देखने लायक मूवी हो। क्या तेरे को अच्छी लगी तो हमारे भी टिकट बुक करा। मम्मी और की टिकट बुक कराऊंगा और इनके साथ एक बार फिर निकल जाऊंगा भाई। और रात के बज रहे हैं 7:30 और अब खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। सो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को, और सब आदि पुरुष को मत देख के आना, बहुत बेकार फिल्म है, सब देख के आओ जो आज मैं देख के आया। बाय।